तो जंगल में रहता है, मैं तो असली टार्जन बन गया हूँ। अपने घर से बाहर मत निकलिए, ये खतरनाक हो सकता है। आपको चेतावनी दी जाती है। बचाओ! ना जाने क्यों यहाँ हर कोई भाग रहा है। नो बेटा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये लोग इस तरह घबराकर भाग क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक लायन शहर में घूम रहा है। क्या, एक लायन? हाँ, मतलब मैंने एक असली लायन देखा था। हमारे पड़ोस में ही कोई उसे पाल रहा था। ये बहुत खतरनाक है, चलो हम घर चलते हैं। वहाँ पर एक लायन है, हम उसे सिटी पार्क में घेरने वाले हैं। हाँ। सुनो नोबिता, रुको। क्या दिन आ गए हैं, शेर अब जंगल से शहर में आने लग गए हैं। क्या हुआ? इधर आओ। क्या बात है? एल्जा, तुम भाग क्यों आई? क्या तुम किसी चीज से नाराज हो? चलो एक गड्ढे घर चलते हैं। तुम तो बहुत ज्यादा नाराज लगती हो एल्जा, प्लीज मेरे लिए शांत हो जाओ एल्जा। सिपाहियों फायर करो! रुक जाओ! रुको नोबिता! देखो गोली बिल्कुल न चलाना। क्या कर रहे हो बच्चे, ये खतरनाक हो सकता है। मैं खतरों से नहीं डरता, और वैसे भी ये लायन कितना शांत है। चलो बस भी करो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। ये बच्चा सही कह रहा है, एल्जा को गोली मारना ठीक नहीं होगा। सुनो एल्जा मेरी अच्छी बच्ची, चलो चुपचाप अपने घर चलो, अपने पिंजरे में। पिंजरे में? ऐसा मत करो, इसे वापस पिंजरे में डालना ठीक नहीं होगा। हाँ डोरेमोन ने सही कहा, आपने इसे पिंजरे में बंद कर दिया था इसीलिए वो भाग गई। क्यों, सही कहा ना? इतनी बड़ी शेरनी एक छोटे से पिंजरे में अपनी जिंदगी बिताए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्लीज इसे वहीं भेज दीजिए जहाँ से ये आई है, यही उसके लिए अच्छा होगा। इसे इसके घर यानी जंगल में भेजना चाहिए। प्लीज बात मान जाइए। मेरी एल्जा, अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ खुश रहना, ठीक है? गुड बाय एल्जा। गुड बाय शेरनी, अपना ख्याल रखना। चलो नोबिता घर चलते हैं। क्या नोबिता ने ऐसा किया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, नोबिता सीधा शेर के पास चला गया। मैं नहीं मान सकता कि उस डरपोक नोबिता ने ऐसा किया होगा। ओ हाय शिज़ुका! नोबिता, हर कोई यही कह रहा है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। वो मैंने कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं किया शिज़ुका। अच्छा मैं उस तरफ आता हूँ। बात सुनो बुद्धू, तुम अभी भी नोबिता ही हो, खुद को असली टार्जन मत समझो। सही कहा जियान। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे इससे नफरत है, कितनी डर लग रही है। नोबिता? हाँ? अरे तुम सब यहाँ पर? तुम अभी यहीं पर हो? चलो नोबिता घर चलते हैं। हाँ? नोबिता मुझे लगता है कि तुम्हें सर्दी हो गई है। नोबिता को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है ना जियान? एकदम ठीक कहा तुमने, आज का मौसम तो कितना साफ है ना। सुनियो, क्या तुम्हें पता है जियान, अगर हम एक्टिव होकर बॉडी को मूव करें तो हमें ठंड नहीं लगेगी। हे सुनियो, तुमने आज बिल्कुल ठीक बात कही है। हे नोबिता, आज हम लोग बेसबॉल प्रैक्टिस करेंगे। क्या, इतनी ठंड में प्रैक्टिस? बुद्धू, इसीलिए तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे।
हाँ, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाए तो समझो तुम्हारी बॉडी और भी मजबूत हो जाएगी नोबिता। हाँ तुमने ठीक कहा, अगर हमारी टीम की सबसे कमजोर कड़ी जो कि नोबिता है कुछ सुधर जाए, फिर जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा और सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमारी टीम पूरे देश में मशहूर हो जाएगी, समझे? हाँ जैसा आप कहें। एक बार मैं घर पहुंच जाऊं तो बाहर नहीं निकलूंगा, इतनी ठंड में कोई प्रैक्टिस करता है क्या? देखो नोबिता, हमसे ज्यादा ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए जरूरी है, समझे? एकदम ठीक, हम ये सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए कर रहे हैं, अगर तुम खेलोगे तो शायद तुम्हारे शरीर में गर्मी आ जाएगी और तुम अच्छा भी खेल पाओगे। तो अगर तुम आज प्रैक्टिस पर नहीं आए तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जियान डरावना है, लेकिन मैं इतनी ठंड में बाहर नहीं जा सकता हूँ। आज के दिन तो मैं अपने गर्म कमरे में बैठकर सोना पसंद करूँगा, मुझे यही करना चाहिए। मैं घर आ गया। हाँ? घर के अंदर भी कितनी ठंड है, ये ठंड झेलना भी एक मुसीबत का काम है। मैं आ गया। अरे ये क्या डोरेमोन? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे तुमने हीटर क्यों नहीं चलाया? हीटर और बाकी सब डिवाइसेस टूट गए हैं। अच्छू, क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हो गया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा डोरेमोन। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो खुद को इस कंबल में लपेट कर बैठा हूँ? जरा खुद ही सोचो। लेकिन डोरेमोन तुम तो एक रोबोट हो, पर मेरे जैसे एक एडवांस रोबोट को इंसानों से ज्यादा सर्दी लगती है। मेरी हालत तो खराब होती जा रही है। क्या सच में? हाँ नोबिता, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बीमार हो जाऊंगा। सुनो, इससे पहले कि तुम बीमार पड़ जाओ मुझे कोई गैजेट दे दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। डोरेमोन होश में आओ प्लीज, क्या सर्दी से तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है? ऐसा कोई गैजेट दो जिससे हम सबको गर्मी महसूस हो। ऐसा गैजेट? हाँ डोरेमोन एक गैजेट दे दो। हाँ मैं तो भूल ही गया था, रेन मेकर पेन सेट। इस गैजेट की मदद से हम कोई भी क्लाइमेट कभी भी बना सकते हैं, चाहे वो साफ मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो। डोरेमोन अभी क्लाइमेट क्या चीज होती है? अरे बुद्धू, मौसम को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। अच्छा, इस गैजेट की मदद से गर्मी भी हो सकती है। ये रेड पेन टेम्परेचर बढ़ा देता है। इस कागज पर एक मैप बनाओ, बस इस घर के आसपास रेड पेन से एक लाइन बना दो। वाह ये तो कमाल का है, मुझे तो अभी से गर्मी लग रही है यार। अच्छा सुनो, ऐसा करो मुझे ये पेन दे दो। तुम इसका क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस करने जा सकता हूँ, है ना? ठंड में प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैं पार्क का क्लाइमेट गर्म करना चाहता हूँ। बात अगर खेलने की हो तो तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। पता नहीं आज मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो दोस्तों, चलो सब मिलकर बेसबॉल खेलते हैं। हाँ चलो पहले फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो भी गलती करेगा उसके सर पर एक डंडा पड़ेगा। सिर पर? टाइम आउट। वो मुझे बाथरूम जाना है। ये नोबिता हमेशा ऐसा क्यों करता है, जल्दी आना। क्या मैं तुम्हारा रेन मेकर पेन ले लूं? लेकिन किस लिए? वो मुझे पार्क में बारिश करवानी है ना। उसके लिए ब्लू पेन से पार्क की आउटलाइन बना दो, पर उसके बाद तुम बेसबॉल की प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो जियान कह रहा था कि वो हर गलती पर मेरे सिर पर एक शॉट मारेगा। ये तो बहुत गलत बात है। लगता नहीं है कि बारिश होगी। बस तुम देखते जाओ। अरे पार्क के ऊपर अजीब से बादल नजर आ रहे हैं। सुनियो, अगली टर्न तुम्हारी है। अच्छा? अरे ये बारिश। नोबिता ये प्रैक्टिस बंद हो गई है, भागो यहाँ से। अरे वाह मजा आ गया, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे बारिश की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह मौसम पहले जैसा हो गया। चलो बाकी पेंट्स को ट्राई करके देखता हूँ, इस व्हाइट पेंट से क्या होगा। अरे वाह स्नोफॉल हो रही है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आइडिया, अब मैं शिजुका को बुलाता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगता है। हाँ पार्क के बाहर तो मौसम कितना साफ है। जैसा कि हमने सोचा था ये भी डोरेमोन का एक डिवाइस ही होगा। लेकिन हम नोबिता को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। हाँ।
ट्रक के ऊपर एक बर्फ का बादल है, ये जरूर नोबिता ने ही किया होगा। काश कि वो पेन से कुछ अजीब ना कर बैठे। क्या कहा, सिर्फ पार्क में बर्फ गिर रही है? हाँ, लेकिन बर्फ इकट्ठा होने में वक्त लगेगा, तब तक खेलते हैं। इस पेन से एक मैप बनाओ और उसके आसपास लाइंस खींचो और उस जगह का मौसम बदल जाएगा। ये तो मजेदार लगता है। इस येलो पेन से क्या होता है? चलो इस कमरे के एरिया को मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है। सूरज चमक रहा है जैसे कि एक साफ दिन में चमकता है ना? ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, पर ये क्यूट सूरज है। अब ये ऑरेंज वाला ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर बर्फ जमा होनी शुरू हो गई है। ठंड लग रही है। जब नोबिता यहाँ आएगा मैं उसे खूब पीटूंगा। छी। सॉरी शिज़ुका, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। देखो मुझे बिजली से डर लगता है। मुझे माफ कर दो। ये पेन क्या करेगा? हाँ? ट्राई तो करो। हाँ? पता नहीं ये सही होगा या नहीं। जरूर कुछ मजेदार होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पेन बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ तुमने सही कहा। हाँ?